Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूपीएससी का वन ऑफ फेवरेट टॉपिक्स में में से ही आता है इंडिया में दो नई जियो हेरिटेज साइट जो है उनको डिक्लेयर किया गया है राइट दो साइट्स कौन सी हैं वो अभी हम देखते हैं राइट कौन सी स्टेट्स में उनको भी हम अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जियो हेरिटेज साइट होती ही क्या है राइट ये सबसे पहले तो आपको नाम में समझ में आ रहा होगा जियो हेरिटेज हेरिटेज का मतलब आपको पता है जियो का मतलब मतलब ये जियोलॉजी से है ये कि एनीथिंग रिलेटेड टू जियोलॉजी और जो कि हमारे हेरिटेज का पार्ट भी है राइट उसको हम जियो हेरिटेज साइट बोल देते हैं सो बेसिकली इट रेफर्स टू दी साइट और एरियाज विथ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एजुकेशनल कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू ड्यू टू देयर जियोलॉजिकल फीचर्स

है ना अब इसमें नेचर ने रोल प्ले किया था लेकिन वो एक रामसर साइट भी बन गई और उसके आसपास जो है इकोनमी भी डेवलप हो रही है है ना और वो हमारी साइंटिफिक वैल्यू की भी चीज है राइट अगर किसी को रिसर्च करना है क्रिएटर्स के ऊपर तो जरूरी नहीं है कि आपको बाहर बाहर कहीं जाना पड़ेगा किसी और साइंटिस्ट के अंडर काम करना पड़ेगा यू कैन वर्क हेयर ओनली है ना और इस तरीके की चीजों को अगर हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं राइट तो उसका ओवरऑल आपकी एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम सबको बराबर मिला के कितना पता है उसमें इजाफा होता होता है उसमें बढ़ावा होता है बढ़ावा राइट हैंस इस टाइप की चीज को, को टैक्स दिए जाते हैं ताकि इसके नजर बनी रहे डिग्रेड ना हो इसके बाद में बैठा देख है राइट तो वो इंस्पायर हो इन चीजों से है ना यू नेवर नो की आपकी एक पब्लिश की हुई चीज किसको कहां जाके किस लेवल पे इंस्पायर कर दे हेंस हैंज काइंड ऑफ टैग्स आर इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट बैक टू बैक कीप्स ऑन डूइंग इट है ना वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ इस टाइप पे करते ही रहती है इंटरनेशनल बॉडीज में भी इसका फायदा होता है वैसे तो बट उस एंगल पे हम नहीं जाएंगे अभी है ना मतलब टेक्निकली बात ये है कि डिक्लेयर करने का फायदा ही फायदा है राइट आइए तो दीज साइट्स में हैव यूनिक रॉक फॉर्मेशन फॉसिल लैंडस्केप्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन रिसर्च कल्चरल सिग्निफिकेंस और विजुअल अपील राइट विजुअल अपील है दैट्स uh, अगर आप देखोगे तो दैट कि ये वाली जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी आते हैं लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हुए है ना विजुअल अपील अगर वहां पे है तो राइट right? <coughs> कौन डिक्लेयर करता है इट इज डिक्लेयर बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच्चे अगर किसी को नहीं पता एज ऑफ नाउ क्योंकि जियो हेरिटेज साइट के ऊपर ना पिछले डेढ़ साल से लगभग काफी न्यूज आ रही है राइट right? और कुछ ना कुछ जियो हेरिटेज साइट के ऊपर चलता ही रहता है कि अब ये वाली डिक्लेयर होगी जी उस जियो हेरिटेज साइट पे अभी लास्ट ईयर एक न्यूज आई थी हम फॉरगेटिंग द स्टेट जहां पे ये हुआ था बट वहां पे वो ये बोल रहे थे कि वो है तो जियो हेरिटेज साइट लेकिन वहां पे हम फॉसल ही लोकेट नहीं कर पा रहे हैं हम रेलिक्स ही लोकेट नहीं कर पा रहे हैं है ना कि कहाँ पे एक समय पे सर्वे हुआ था उसके बाद में हम वहां पर जा रहे हैं तो वहां पे वो पुरानी मूर्तियां एंशियंट ये वो कुछ नहीं मिल रहा है राइट घुम गया है ना तो इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई जीएसआई जो है इसको बहुत कड़ी नजर से देखता है राइट जियोलॉजिकल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट डिक्लेयर जियो हेरिटेज साइट या फिर नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस राइट और जीएसआई के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि इट्स अ साइंटिफिक एजेंसी दैट वाज फाउंड फाउंडेड इन 1851 अब 1851 से आपको समझ में आ रहा है टू फाइंड कोल्ड डिपॉजिट उसी के अराउंड है मेरे को कॉमेंट्स में लिख के बताइए आपकी जो फर्स्ट रेलवे है वो कहां से कहां चली थी एक्जैक्टली exactly बताना एग्जैक्टली exactly, है ना मुंबई में भी बहुत सारी जगह है exactly कहां से चली थी वो राइट और कौन से ईयर में चली थी ये मुझे comments में बताइए बच्चे द इज इज हेड इन कोलकाता एंड एन ऑफिस ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है बच्चे ये आपको थोड़ा सा यूनिक लगेगा इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स आपकी कल्चरल हेरिटेज की चीजों को जो है डिक्लेयर कर रही है राइट सो so ये एक यूनिक चीज है इसके अंदर तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे पहली साइड देखते हैं बच्चे दो ही साइड्स हैं हमारे पास में कोंडा या फिर पांडवला गुट्टा किसी के नाम से भी आपको ये चीज जो है पेपर में आ सकती है तो दोनों आप थोड़ा सा समझ के ही इसको याद कीजिएगा ये एक जियोलॉजिकल मार्वर हैलंगाना आपको तेलंगाना याद रखना है बच्चे वैसे आप तेलंगाना में जाओगे ना आपको उस, उस एरिया के अंदर, क्योंकि हार्ड रॉक्स है ऊपर तो आपको इस टाइप के फॉर्मेशन वैसे भी बहुत जगह जो है बाकी जगह भी दिखाई दे जाएंगी ये खास इसलिए है क्योंकि पे इस जगह पे आपको ये सब देखने को मिलता है जस्ट सी दिक्चर यू कैन पॉज दीडियो एज वेल तो ये इसके अंदर से ली गई पिक्चर है एक, फ्रॉम दिजोलिथिक पीरियड टू मेडिवल पीरियड ठीक है आपसे जो है वो टाइम पीरियड भी पूछ सकता है इसमें इसके अंदर इट बोस पेलोलिथिक केव पेंटिंग्स जैसे मैंने आपको भी दिखाई थी ऑफरिंग अ ग्लिम्स इनटू टू द प्री हिस्टोरिक लाइफ द केव पेंटिंग्स डिपिक्ट वाइल्ड लाइफ लाइक बाइसन एंटीलोप टाइगर एंड लेपर्ड ये मतलब इससे आपको बच्चे ये चीज पता लगती है कि उस समय पे जब ये पेंटिंग्स हुई थी उस समय आसपास कौन सा फ्लोरा फ्लोराफोना था इसीलिए भी आपको जियो हेरिटेज साइट को संभाल के रखना होता है आपको थोड़ा सा पुराना सिर्फ फॉसिल्स पे डिपेंड नहीं हो जाओगे आप कि अगर किसी ने ये वॉल पेंटिंग्स वगैरह करी है तो आपको आस पास से देख के ही करी होंगी राइट तो फ्लोरा फ्लोराफोना के ऊपर एक डायरेक्टली आपको कॉमेंट मिल जाता है नेक्स्ट इज जैसे मैं आपको बताया था रामगढ़ रामगढ़ क्रेटर राजस्थान फॉर्म अबो ड्यू टू मीटियोर इम थ्री किलोमीटर डायमी सर्विस क्रिएटर है इट इज ऑल्सो रिकोग्नाइज एज रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बच्चे ये कंजर्वेशन रिजर्व भी है

you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024